जी बहुत सारी इतलात आई कि गुलाम बीबी परवाना भी हुकूमत का हिस्सा नहीं रही और मुनहरिफ अरकान में शामिल है। एक तो उन्होंने मुलाकात करके इन तमाम खबरों को की नफी कर दी और इसके साथ साथ आज असम्बली इजलास में भी मौजूद हैं। ये बताइएगा ये अफवाहें क्यों गर्दिश करती हैं आपके बारे में, जब भी कोई बात आती है आप नाराज? इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करती हूँ, चाहे ये मेरा नाम हो या किसी का भी नाम हो। किसी के बारे में भी जो बग़ैर तहकीक के एक बात कर देना है ना, ये सबसे बुरी बात है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। और दूसरा ये कि जी चीज़ों को हकीकत पे मबनी देखना चाहिए। अब आज आपके सामने हैं जी, मैं जिन बेंचेस की हूँ मैं उन्हीं पर बैठी हूँ जी। अगर ये किसी को गलत फहमी है तो वो अपनी दिल से निकाल, अब पे ये वाजह है कि मैं असूलों को नहीं छोड़ूंगी। आपका क्या स्टैंड है, आप तो असम्बली में आ गए, क्या अभी भी कोई नाराज़गी बाकी है, तहफ़ुज़ात उसी जगह मौजूद हैं या सब ख़त्म करके आए? देखिए जी, एक तो ये कोई नाराज़गी वाले रिश्ते नहीं हैं जी, मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ नाराज़गी क्यों होनी चाहिए। बाकी अगर तहफ़ुज़ात की बात करें तो वो हमारा तो सिर्फ यही तहफ़ुज़ात हैं कि हमारे हलकों में काम होना चाहिए, वहाँ डिवेलपमेंट होनी चाहिए। पसमानदा ज़िले से मेरा ताल्लुक़ है, उनके मसाइल का हल हमारा असल मकसद है जी, तो वो अगर उसके हल में हम कामयाब हो जाएं तो हम राजी। थैंक यू वेरी मच, अगर मसाइल हल हो जाए तो हम राजी हैं, ये कहना है गुलाम बीबी परवाना।